ગગનભાઈ ગોસ્વામીને મળે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટનો. આપણે એમની સાથે વાત કરશું કે આ જર્ની કઈ રીતે એ આગળ વધ્યા અને કેવા કેવા પડાવ પાર કર્યા. सर, मेरा नाम गगन गोस्वामी और हमारी कंपनी का नाम हेरिटेज इंफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है. मैंने 1994 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और मैंने 2009 तक काफ़ी कंपनी में काम किया. उसमें हम लोगों ने मेट्रो में भी प्रोजेक्ट्स में भी हम लोगों ने काम किया और डायफ्राम वाल की टेक्नोलॉजी के साथ मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा था. तो 2011 में हम लोगों ने हेरिटेज इंफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम लोगों ने इस्टेब्लिश करी और उसके बाद 2015 में हम लोग अहमदाबाद में डायफ्राम वाल टेक्नोलॉजी लेकर आए और आज हमारे अहमदाबाद में करीबन 200 प्रोजेक्ट हो गए और इसके अलावा हम लोग ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं. इंडिया में हम लोगों की प्रेजेंस दिल्ली में है, गुड़गांव में है, चेन्नई में है. उसके अलावा हम लोग विजयवाड़ा में काम कर रहे हैं, सूरत में कर रहे हैं, जयपुर में कर रहे हैं और आज हमारी कंपनी में 300 लोगों का स्टाफ है और हम लोग सब एज ए हेरिटेज फैमिली साथ में रहते हैं. आज सुधी तमें एवॉर्ड घना पण लीधेला छे, पण आजे तमने आ एवॉर्ड थी केटलू फील थाय छे? सर, आज मेरे को काफ़ी गर्व की अनुभूति हो रही है. हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि अभी जो भी हम लोग ने जो सोशल लाइफ जो हमारी है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारी ये जवाबदारी है कि हम लोग समाज को वापस वही चीज़ रिटर्न करें और इसी संदर्भ में हम लोगों ने जो डायफ्राम वाल टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं अहमदाबाद में और ऑल ओवर इंडिया में, इससे जो एक्सीडेंट होते थे और जो कैजुअलिटी होती थी काफ़ी कम हो गई है. टाइम काफ़ी बचने लगा है इसमें और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि कभी भी एक्सीडेंट ना हो और किसी की जान माल की हानि नहीं हो. और ये अवार्ड मिलने के बाद में मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्व की अनुभूति हो रही है. इसके लिए मैं सब मेरे क्लाइंट, हमारे स्टाफ और हमारे वर्कर से, उन लोगों को मैं हमेशा तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आवो काम करूँ एटले 2-3 हज़ार माणसों ज्यां स्टाफ जोतो होय त्यां आ कंपनी 300 माणसथी काम करीने मोटू वर्क करे छे, एटला माटे आ एवॉर्ड मळे छे. काम करवू महत्व छे एटलू ज सोशियल वर्क पण साहेब એટલું જ કામકાજ કરે છે. નફો ઘરે લઈ જવો અને લોકો સાથે બાંટવો એ એક અનોખી એમની કામકાજ છે. તો એમની સાથે જાણે કે કોરોના કાળમાં એમે કેવા કેવા કામ કર્યા છે. सर, हम लोगों को जैसा आपको मालूम है, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद भी और कोरोना के टाइम भी हम लोग सबको एज ए टीम, एज ए फैमिली हम लोग समझते हैं. और कोरोना के टाइम में हम लोगों ने सब हमारे स्टाफ और जितने भी वर्कर हैं उनको टाइम पे सैलरी करी और 100% सैलरी हम लोगों ने करी. इसके अलावा मैं सारथी फाउंडेशन करके एक समाजसेवी संस्था है उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ. उसमें हम लोग गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं और उसके अलावा मैं जो मेरा नेटिव प्लेस MP है, गांधी सागर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग सोशल एक्टिविटी, जैसे अगर किसी स्कूल में फीस हम लोगों को पे करना है, कंबल अगर हम लोग सर्दी में कंबल और स्वेटर बच्चों लोगों को देते हैं, किसी में अगर पॉसिबल रहता है हम लोग उनकी 100% फीस हम लोग उनकी पे करते हैं. इसके अलावा वाटर कूलर हम लोग लगवाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी जवाबदारी है. हम लोगों को मन से इच्छा है कि जो हमसे बन पड़े हमको सबको मिलजुल के करना चाहिए. और साथ में मन से ये इच्छा है कि हम लोग हेरिटेज फाउंडेशन भी हम लोग अभी जल्द बनाने वाले हैं. उसमें हम लोग इसी लाइन में हम लोगों को गरीब बच्चों की फीस अगर हम लोगों को पे करना है या साथ में हम लोगों को जो भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए करना है, वो सब हम लोगों का प्लानिंग है और हम लोग इसको काफ़ी आगे लेके जाएंगे. बहुत सरस. આવી જ રીતે લોકો અમારા પ્રાઇડ ગુજરાતના છે તો આપ પણ જોઈન્ટ થઈ શકો છો ધ પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયામાં.